केवल जे सीमारे शत्रु सहित युद्ध करिबा ता नुहे श्रेणी गृहरे भी जो रही अग्निवीर मानू स्वतंत्र ये तालीम दि जाऊँगी कह आम पाठ पढ़ा विभिन्न जहाज सब जो रही जहाज गुड़िकर काम कौन केमी तार सब मॉडल तार ये सब स्ट्रक्चर रखा जाए कि स्वतंत्र तालीम दि जाऊँगी क्लास करा एंड मैं इधर चिल्का में आके जो जो ट्रेनिंग किया उससे बहुत एंड इधर आके बहुत खुश हूँ। इसके आगे हम लोग को प्रोफेशनल स्कूल्स में दिया जाएगा एंड शिप ट्रेनिंग में उधर जाके हम लोग जो जो हम लोग का जो जो ब्रांच मिला है उसके हिसाब से हम लोग को ट्रेनिंग दिया जाएगा प्रोफेशनल स्कूल्स में। इसके आगे मैं 4 ईयर के बाद कंटिन्यू करना चाहता हूँ एंड अपना देश को मेरा नेशन को सर्व करना चाहता हूँ। ये अग्निवीर मानू तालीम दि जाऊँगी जहाज भितर केमी काम हुए जहाज से मैंने कहीं दीर्घ दिन धरिकी रे 6 मास 7 मास जहाज में रहीकि युद्ध करेंगे और देशर सुरक्षा करेंगे स्वतंत्र तालीम दि जाऊँगी। सुरेश रॉय अच्छे आम सहित आलोचना करवा सर ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर रखा हुआ है ये क्या है और कैसे ट्रेनिंग दिया जाता है बच्चों को और कितना दिन तक ट्रेनिंग लेते हैं और क्लास जो जैसे कि हम बेसिकली देखते हैं जैसे ग्राउंड में जो ट्रेनिंग होता है वो अलग होता है लेकिन क्लासरूम में भी जो ट्रेनिंग होता है वो भी अलग होता है ये कितना इंपॉर्टेंट होता है बच्चों के लिए और जो नए अग्निवीर हैं। मैम आप देख सकती हैं 2 शिप है या शिप मॉडल है यहाँ पे बेसिक चीज़ें जैसे बच्चे जो कॉलेज से आए हुए हैं शिप के बारे में उनको कुछ पता नहीं है शिप फिटिंग्स के बारे में कुछ पता नहीं है तो इनको हम बेसिक फिटिंग्स बताते हैं जैसे यहाँ पे फोक्सल में क्या क्या फिटिंग्स है क्वार्टर डेक में क्या क्या फिटिंग्स है ब्रिज टॉप में क्या क्या फिटिंग्स है मास्ट में क्या क्या फिटिंग्स है तो यहाँ पर इनको पूरा बताते हैं हम। इसके बाद जब ये शिप में जाते हैं पासिंग आउट इनका आने वाला है शिप में जाएंगे तो सारी चीज़ें इनको बहुत हेल्प करेगा इनको आइडेंटिफाई करने में उसका रोल क्या है व्हाट इज दिस होज पाइप व्हाट इज केबल लॉकर व्हाट इज दिस विंडलास कैपस्टैंड एवरीथिंग इनको सब कुछ हमने यहाँ पे दिखा दिया है। अभी शिप में जाएंगे तो दे विल बी नोइंग कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस विंडलास कैपस्टैंड एवरीथिंग तो उनको मतलब रेडीमेड मतलब रेडी करके यहाँ से भेजते हैं शिप्स लाइफ के लिए क्योंकि मैम शिप में लाइफ ऑन बोर्ड शिप इज वेरी हार्ड मैम आई कैन से सो इट शुड बी फिजिकली मेंटली वेरी फिट यू शुड बी नोइंग अवर जॉब यू शुड बी यू नीड टू बी वेरी वेरी कॉम्पिटेंट तो यहाँ से हम इनका बेस रेडी करके देते हैं शिप में जाने के बाद ये सारी चीज़ उनको बहुत हेल्प करता है। जमती कि सार कहते कि शिप रे रहा आउ शिप जीवन काटा सब गुरुत्वपूर्ण आउ बहुत टफ चैलेंज रही था केमती प्रस्तुत अच आउ किसी दिन अपेक्षा आपण मैंने यूँ पास आउट हो प्रथम हूँ आम शिप बारे में किसी जान नी ए किसी ता विषय ज्ञान मानने पाइचे जहाँकि आम प्राक्टिकाल मानने शिप ट्रेनिंग मानने फिजिक बेसिक ट्रेनिंग के पर आम प्रोफेशनल यूज करसबू ये हूँ मानने शिप्र सब स्ट्रक्चर मॉडल ता विषय जहाँ ज्ञान आम पाइले ता सब आम जो जब हूँ शिप मानने शिप्र जाएंगे जीवा तेब हूँ आम यूज कर पारिया। तो आप सब लोग रेडी है yes, sir. पूरा एकदम रेडी है yes, sir. तो जमती देखुले जो अग्निवीर मैंने रही समस्ते वर्तमान प्रस्तुत अच्छा आउ मात्र किसी दिन अपेक्षा यठू से पास आउट होते हैं मनरे ठाणी नहीं सारे और मनरे जोश बांधि सारे कि देशर सुरक्षा करेंगे आउ देशर पर जीवन भी देदेवे। जल स्थल आकाश सबु जगार आमर सेना सबुठ सजाग सबुठ तत्पर शत्रु को दमन करने आईएनएस चिलिकारे समस्त अग्निवीर मैंने जल भितर ट्रेनिंग नौ कि भाव में शत्रु को दमन करेंगे देश को सुरक्षा करेंगे तो मैंने पा भितर केमी ट्रेनिंग नौ ट्रेनिंग भितर आम भी सामिल हवा
पानी भीतर चली अग्निवीर मानकर स्वतंत्र ट्रेनिंग आपण जहाँ देखुं वर्तमान चिलिका भितर समस्त अग्निवीर माने ट्रेनिंग नौचंती पानी रे जदि शत्रु आसे ताहले ताकु केमिति मुकाबला करिवे ए सबुर स्वतंत्र तालीम एठी नौचंती ए अग्निवीर माने केवल दिने कि दुई दिन नुहे पाखापाखी चारि मास पांच मास हलाणी एमाने एठी स्वतंत्र तालीम नौचंती। सर आपका नाम क्या है और ये जो ट्रेनिंग हो रहा है ये कैसे हो रहा है पानी के अंदर और जो अग्निवीर आए हैं नए बच्चे ये कैसे ट्रेनिंग ले रहे हैं? अच्छा, मेरा नाम आरुमुगम है। मैं इन जो सेल बोट्स का इंस्ट्रक्टर हूँ, क्वालिफाइड इंस्ट्रक्टर हूँ, और मैं इनको सेल बोट्स के बारे में सिखाता हूँ ताकि ये बेसिक सीख सके। सेलिंग बोट्स और जो रोइंग काइकिंग बोट्स है इनके बारे में सिखाता हूँ। उसके अलावा हमारे पास जो डीके वेलर्स है वो बोट्स भी हमारे पास में, तो उसके बारे में हम बेसिक सिखाते हैं। जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं ट्रेनिंग सीखने के लिए, लाइक ट्रेनिंग जितने भी आए हैं वो सारे बाहर के स्टेट से आए हुए हैं, कभी किसी ने पानी नहीं देखा है, फर्स्ट टाइम आए इतना पानी देखे हैं तो। और नेवी में पानी के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, तो हम उनको बेसिक ट्रेनिंग देते हैं। यहाँ पर जो भी बेसिक ट्रेनिंग सीख लेंगे तो अगले जहाज में जाएंगे, जहाँ पे जाएंगे उनको पानी के बारे में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अभी हम जहाँ पर है ये है इंडियन नेवल वाटरमैनशिप ट्रेनिंग सेंटर चिल्का, तो हम यहाँ पर डेली सुबह या शाम को दो बार हम इनको वाटरमैनशिप एक्टिविटीज़ करवाते हैं, मॉर्निंग सेशन में और इवनिंग सेशन में दो बार कराते हैं। तो ये बेसिक यहाँ पर सीखते हैं मोस्टली, ये होता है। तो एठी केवल ओडिशा नुहे, ओडिशा बाहर भी अनेक पुओ झियो आसी छंती आउ अग्निवीर रे शामिल होई स्वतंत्र तालीम नौ छंती आउ अल्प दिन रे एमाने शामिल होई जिबे देशर सेना विभाग रे। तबे आमे किछि जो अग्निवीर रही छंती तांको सहित भी कथा हवा। एक सिविलियन के लिए होता है, सोचता है कि मतलब एक फौजी बनकर देश का सेवा करूं, लेकिन मैं नेवी में आ चुका हूं तो यह सोचने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी मैं आ चुका हूं। तो बहुत अच्छी फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि मैं लोगों को मतलब सुरक्षा दे रहा हूं एक तरह से। कह सकते हैं कि अग्निवीर एक बहुत ही अच्छा है क्योंकि चार साल में युवा के अंदर नए नए मतलब अंदर से बहुत देश के प्रति सेवा करने के मौका मिलते हैं। यह अग्निवीर योजना रे आईएनएस चिलिका रे 273 जन अग्निवीर महिला बा झियो एठी तालीम नौचंती। आपण को घर कोठी, आपण को ना कोन, आपण घर को? मो ना सुभद्रा प्रधान, मु बड़मा नरसिंहपुर। सुभद्रा, जिते बेले तुम्हें एथरे जॉइन कल अग्निवीर रे, तुम्हें योजना रे शामिल होकि एठी जॉइन कल, केमिति लागुथला सेते बेले आउ एबे केमिति फील होउछि? आउ किछि दिन गले तुम्हें एठू पास आउट होकि जिवो, तुम्हें सेना रे काम करिवो एवं देश को सुरक्षा देवो, केते गर्व लागुछि? गर्व तो बहुत लागुछि, ऑब्वियसली मु बहुत खुशी थिली कारण मो एज बर्तमान 18 वर्ष, 18 वर्ष रे मु बर्तमान गोटे जॉब होल्डर हो गलेनि, तो देश पे किसी करवाक सुजोग मिली मुझे बहुत खुशी अच्छी। आम घर मत बहुत प्रोत्साहित करती सेना आसवापी, तो मो बापा मम्मी जो मुझे आसी घर तुम्हें जड़े झील सेनारे अच्छ ना आउ कि आम घर केवल मुझे गोटे झील आई सेनार अच्छी के माँ बापा के गर्व अनुभव करती झील एवं सेनारे आल जल रही जो रही शत्रु को दमन कर देशर सुरक्षा दब। मो बापा माँ बहुत बहुत खुशी अच्छा, आम घर आम गाँव मिठाई बंटा हो सेनार अच्छी बोली, तो आम गाँव में केवल मुँह गोटे झील जी सेनार अच्छी, तो आम गाँव में भी आस खुशी अच्छा आम घर अपेक्षा। ये जो ट्रेनिंग रे शामिल हलो, ट्रेनिंग शामिल रे हला परे जो तुम डे टू डे लाइफ आरंभ हला, केते चैलेंज रही थला? ऑब्वियसली मो पैंट बहुत चैलेंजिंग थिला कारण मुझे तो हॉस्टल पढ़ुली और रनिंग से चान्स नाला मोहर करवाई, ये आसिकी 24 घंटा रनिंग सका जीवू पीटी करा जी, पीटी पर क्लासेस जीवु, क्लासेस पर स्विमिंग, स्विमिंग पर पुणी क्लासेस, पुणी स्विमिंग, पूरा गर्व अनुभव होउछि। आया ऑब्वियसली अन्य सब राज्य रो भी एठी झियो माने एठी तालीम नौचती, झियो आ पुओ भितरे जो फरक रो ओडे चिंता करा जाउथला से फरक एठी एबे वर्तमान समान हे जाइछि? वर्तमान एठी किछि पुओ झियो रा किछि फरक नाही कारण आपण देखि परबे हम छुट्टी थिला एबे नाही त काटि ये कर देछन्दि कारण ट्रेनिंग टाइम रे आमे देश बैंक करबु ना, आमे ट्रेनिंग करबु ना एको संभालबु, तो ये जे तो पुओ झियो रा एबे सेमित किछि भी डिफरेंस नाही, तो ये पुओ झी सब सामान ने झील भी सैया करेंगे, तो
ଅବିୟସ୍ଲି ଆମର ପିଟି ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ବି ସେମ୍ ହୋଇଯାଇଛି, ପୁଅମାନେ ଯେତିକି କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିବେ ଝିଅମାନେ ସେତିକି କ୍ୱାଲିଫାଏ କଲେ ସେମାନେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ। ଏମିତି ନାହିଁ କି ପୁଅ ଅଧିକ କରିବ ଝିଅ କମ୍ କରିବ, ସବୁ ସମାନ ଭାବରେ ଦେଖୁଥିଲେ। ଯେଉଁ ଝିଅମାନେ ଏଠି ଅଗ୍ନିବୀରରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି, ଟ୍ରେନିଂ ନେଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ କଥା, ପୁଅ ଆଉ ଝିଅ ଏଥିରେ କୌଣସି ଭେଦଭାବ ନାହିଁ। ସେ ସେନା ହଉ ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ର, ସବୁ ଜାଗାରେ ନାରୀ ପୁରୁଷର ସମାନ ରହିଛି। ଆଉ ଏଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ଟ୍ରେନିଂ ମଧ୍ୟ ନେଉଛନ୍ତି। होता है वो तीन पार्ट्स में होते हैं। एक तो है डिफेंस, सेकंड एनबीसी वारफेयर। आप जानते होगा जो न्यूक्लियर अटैक, बायोलॉजिकल वारफेयर, केमिकल वारफेयर आप जानता होगा। तो इसके बारे में अगर ये अटैक हो गया तो हम कैसे अपना आप को, अपना देश को बचाएंगे, इसी में हम उनको ट्रेनिंग को बताते हैं। और उसके अलावा जो फायर फाइटिंग, थ्री पार्ट्स है फायर फाइटिंग, मतलब अगर जहाज़ों में आग लग जाते हैं या कहीं पर आग लग जाता है तो उसको कैसे बुझाना है, जो आपकी फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स अवेलेबल है इसको साथ परिचित करना और उसको लाइव कराना कैसे करना है, क्योंकि सभी लोग आता है देखते हैं अपना देशों में सभी जगह में आपको मिलेगा, बट ये लोग भी स्कूल से आते हैं, स्कूल में मिलेगा लेकिन उनको जानकारी नहीं है जो कैसे ऑपरेट करना है। गवर्नमेंट का रूल्स है लगाया, बट ये जो है यहाँ पे नेवी में या अपना डिफेंस में एक कंपल्सरी सबको सीखना है जो लोग सर्विंग करते हैं। और डैमेज कंट्रोल, और एक होता है डैमेज कंट्रोल, जहाज पानी में भंसता है तो पानी में जब जहाज है तो कभी भी डैमेज हो सकता है। बहुत सारे रीजन है, एनिमी अटैक हो सकता है, कोलिशन हो सकता है, पोर मेंटेनेंस हो सकता है। डैमेज होगा तो क्या होगा, पानी घुसेगा तो जहाज डूबेगा। तो डैमेज होगा तो डैमेज कंट्रोल इक्विपमेंट्स अपना बहुत सारे हैं, उसको कैसे ऑप्टिमम यूज करना है ये हम उनको सिखाते हैं यहाँ पे। और ये जो देख रहे हैं आप, ये है फायर पिट्स, यहाँ पे लाइव आग लगा के आपको हमने दिखाया पहले, जो लाइव आग लगा के टेनिस से हम उसको बुझाते हैं, इसको एक्सटिंग्विश कराते हैं।